दोस्तों, क्या आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है? आपको ब्रॉन्डिंग कैसे करना है, आपको बच्चों का रखरखाव कैसे करना है, फर्स्ट डे बच्चों को क्या देना है, कौन सी दवा पहले दिन दी जाती है, पहली बार बच्चों को क्या दिया जाता है, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में सिखा देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। कोशिश यही करता हूँ दोस्तों कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे बनाना है, बच्चों का रखरखाव कैसे करना है, ब्रॉन्डिंग कैसे करना है, बच्चों को पहले दिन कौन सी दवा दी जाएगी, बच्चों को लास्ट दिन कौन सी दवा दी जाएगी। तो कोशिश यही रहती है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए और आप भी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सीख सकें। और दोस्तों, आपको पता होगा मेरा 5000 बच्चों का अपना खुद का फार्म है और मैंने एक लगभग 1500 बच्चों का रेंट पर फार्म लिया है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें एक बार बच्चा डाला था और लगभग 25000 रुपये इस फार्म से पेड हुए थे। और दोस्तों, किसी कारण की वजह से मुझे इस फार्म पर दोबारा बच्चे डालने में काफ़ी लेट हो गया और आज मैंने इस फार्म पर बच्चा डाल दिया है। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं फर्स्ट डे बच्चों को क्या दिया जाता है, जब बच्चों की ब्रॉन्डिंग की जाती है पहले उनको क्या दिया जाता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आज हमने बच्चों की ब्रॉन्डिंग कर दिया है, पहली बार हमने उनको क्या दिया है और कितने बच्चे आए हैं दोस्तों, कैसे उनका रखरखाव किया गया है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जितना वीडियो डालता हूँ देखते रहिएगा, मात्र 40 दिन का समय दे दीजिए, आप पोल्ट्री फार्मिंग में उस्ताद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बच्चों का रखरखाव से लेकर दोस्तों कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, कब लगाई जाती है, सब जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर में दिखाते हैं 1200 बच्चे आए हैं दोस्तों, कैसे इनका रखरखाव किया गया है, इनको पहली बार कौन सा चीज़ दिया गया है और दोस्तों पहली बार दाना कैसे दिया जाता है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर में और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बच्चे पोल्ट्री फार्म पर आ गए हैं और सबसे पहले उनको दोस्तों गुड़, अजवाइन, मीठा सोडा और पैरासीटामॉल दिया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कैसे दोस्तों हम डब्बे में पानी लगा रहे हैं। पहली बार दोस्तों आप भी गुड़ और अजवाइन को एक में पका लीजिएगा, उसके बाद उसमें मीठा सोडा और पैरासीटामॉल लगा के दे दीजिएगा, बच्चों को पहली बार यही दिया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं हमारी व्यवस्था कैसे है और हमने बच्चों को दाना पानी कैसे दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने दोस्तों सेलिंग बनाकर पूरा ब्रॉन्डिंग किया हुआ है, पूरा पोल्ट्री फार्म हमने अंदर से पैक किया हुआ है। और दोस्तों, अंदर में बच्चों की ब्रॉन्डिंग की गई है, कैसे ब्रॉन्डिंग की गई है ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, बच्चे जब आते हैं तब ये दोस्तों डायरेक्ट हैचरी से आते हैं और हैचरी में दोस्तों इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दोस्तों इनको बहुत टेम्परेचर में रखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे दोस्तों हमने पूरा पैक करके रखा हुआ है और कैसे दोस्तों इनकी ब्रॉन्डिंग की गई है, कैसे इनको दाना लगाया गया है, कैसे इनको पानी लगाया गया है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप भी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, 1200 बच्चे आए हैं, आप देख पा रहे होंगे इनका दाना और इनका पानी दोस्तों लगा हुआ है। दोस्तों, पानी में सबसे पहली बार हमने इनको मीठा सोडा, गुड़ और अजवाइन और दोस्तों पैरासीटामॉल दिया था। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पानी है, अभी आपको थोड़ा काला काला पानी दिख रहा होगा। पहली बार दोस्तों हमने सबसे पहले गुड़ लिया और गुड़ को हमने दोस्तों अजवाइन डालकर पकाया, उसके बाद उसमें मीठा सोडा और दोस्तों पैरासीटामॉल मिलाया। और दोस्तों, ये देखिए पहली बार दाना ऐसे दिया गया है और दाना दोस्तों हमने ज़मीन पर छींटा हुआ है और बच्चे कैसे चुग रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन दोस्तों हमने भट्टी लगा के रखा हुआ है, हमको पता दोस्तों रात में अभी टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर जब डाउन होगा दोस्तों तो हमको भट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मात्र 2 दिन दोस्तों भट्टी लगा देंगे तो बच्चे संभल जाएंगे और बच्चे अगर संभल जाएंगे दोस्तों हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो आप हमारी ब्रॉन्डिंग देख पा रहे होंगे कैसे हमने ब्रॉन्डिंग किया हुआ है। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग करना हम आपको 40 दिन में सिखा देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, कैसे दोस्तों बच्चों को पानी देना है, कैसे दाना देना है और दोस्तों पहली बार बच्चों की ब्रॉन्डिंग कैसे की जाती है, भट्टी दोस्तों कैसे लगाना है, सब कुछ आप जान चुके होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सही जानकारी दे रहा हूँ, हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग से ज़रूर जुड़ जाइएगा।
ये दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, लाते हैं हम आपके लिए और नई जानकारी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।